तो क्या हाल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कमांडो टाइटल अचीवमेंट जर्नी विद सोलो रैंक पोस्ट वीडियो। तो गाइस देखो, अभी फिलहाल अपने सेविन के सेविन चिकन डिनर ही है और अभी अपना कॉन्करर का रैंक चल रहा है 500 समथिंग, कुछ 500 रैंक चल रहा है और मैं डायमंड 4 पे पहुंच चुका हूँ और गाइस अपने चिकन डिनर नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या लास्ट में भाई क्या हो जाता है, भाई कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं जिससे कि भाई वहाँ पे मैं फाइट लूज कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक्सपीरियंस अपना बढ़ेगा और धीरे धीरे अपन और ज़्यादा से ज़्यादा चिकन डिनर निकालने का ट्राई करेंगे। तो गाइस क्या तुम लोग कमांडो अचीवमेंट टाइटल करने का ट्राई कर रहे हो या फिर रैंक तुम्हारा क्या चला रहा है? सोलो रैंक पोस्ट तो तुम कर ही रहे होगे, तो तुम्हारा सोलो रैंक पोस्ट का टीयर और रैंक क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ये वाला जो भाई गेम प्लेज मैं डाल रहा हूँ ये तुम लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो ये अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें, लाइक वाला बटन जरूर से दबाना एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो। अगर ये मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही है तो भाई जरूर से करना। फिलहाल बात कर लेते हैं गेम की। तो भाई यहाँ पर आज मैंने 4 घंटे स्ट्रीम की थी, स्ट्रीम भी करता हूँ, शॉर्ट्स भी डालता हूँ, सभी कुछ कर रहा हूँ। तो भाई 4 घंटे स्ट्रीम की और भाई कम से कम नहीं तो 4 गेम्स मैंने मिस किए। 2 गेम तो मैंने #2, 2 से 3 गेम मैंने #2 पे मिस किए और 1 #3 और 1-2 गेम और मिस किए जो #4 #5 पे था। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाती कि मेरे पास level 1 का हेलमेट वेस्ट रहता है। अपन कितना भी ट्राई कर लें भाई, बंदा जब रस करता है ना तो अगर तुम थोड़ा सा भी चोक करते हो, चोक इन द सेंस कि वो अगर 2 गोलियां भी कनेक्ट करेगा तुमको 3-4 गोलियां 5 गोलियां कनेक्ट करनी पड़ेंगी तब जाके कहीं बंदा मरता है क्योंकि उसके पास लेवल तरीका रहता है। ये जो चैलेंज मैंने लिया ना गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मतलब यार मैं एक टाइम पर डिमोटिवेट हो गया कि भाई अब ये रहन देते यार, नहीं होगा यार, मतलब क्यों भाई इतना भाई हार्ड है कि मतलब कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ भाई कैसे, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए मेरे को। तो गाइस उसके लिए तुम लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्ट्रीम ज्वाइन करना पड़ेगा, स्ट्रीम पे ज्वाइन करो एंड भाई मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उससे कि हाँ भाई अपन कर सकते हैं, कुछ अलग हो रहा है भाई। सोलो जितने भी क्रिएटर हैं सोलो रैंक पोस्ट ही करते हैं, अपन थोड़ा सा डिफरेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखो मेरे को जोन में जाना था और जोन था भाई 4th जोन, इसके बाद हैवी डैमेज पड़ने वाला था, तभी आती है यहाँ पर एक बग्गी। अब इस वाली बग्गी जैसा ही इसका मौसम बन रहा था तो मेरे को ऐसा लग गया था कि ये बंदा गाड़ी रुकेगा और मेरे को मारने का ट्राई करेगा, उससे पहले मैं उतरता हूँ और उसको किल कर देता हूँ। अब यहाँ पर जोन टच हो जाता है और भाई HP देखना, अगर ये वाला फीचर्स नहीं आया होता इस गेम में तो भाई मैं यहाँ पर आज मर चुका होता बैंडेज लगाने का। गाइज बैंडेजेस ज़रूर रखना लास्ट के जोन में, गाड़ी चलाते समय आप बैंडेजेस लगा सकते हो। तो भाई ये वाली जो न्यू फीचर आया इसकी वजह से मैं यहाँ पर बच जाता हूँ और अभी मैं जोन के अंदर आ चुका था तो मेरे को लग रहा था कि कोई मेरे को दूर से कहीं भर ना दे, मतलब कोई लपेट ना दे, तो इसलिए मैं जोन के एज पे जाता हूँ, काफ़ी देर वहाँ पे होल्ड करता हूँ, उसके बाद फिर से मैं जोन के अंदर आता हूँ, फिर से काफ़ी देर यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ, उसके बाद अभी देखना अभी यहाँ पर क्या सीन होता है मेरे साथ। अब यहाँ पर मैं जोन के एज पर होल्ड कर रहा था, 5 बंदे बचे हुए थे, मेरे को जोन में निकलना था। रोजोक की हिल पे थोड़ा सा जोन था तो मैंने कहा वहीं पे जाएंगे, लेकिन मेरे को इतना कंफर्म था कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा होगा तो उसी चक्कर में मैं यहाँ पर गाड़ी घुमाया जा रहा था। मैंने कहा जैसे ही जोन बनेगा तब अपन पोजीशन लेंगे, बंदे आपस में लड़के मर जाएंगे, अपने को सिर्फ चिकन से मतलब है। तो यहाँ पर अब तक मेरे को समझ में आ गया था कि अभी यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी गलती होती है कि गाड़ी यहाँ पर ठुक जाती है तो और सामने एक बंदा रहता है जो कि मेरे पर एक हेड कनेक्ट कर लेता है। अब उसने हेड कनेक्ट किया, मेरा HP लो हो गया। अब यहाँ पर मैं हील करता हूँ, लेफ्ट में एक बंदा रहता है, एक बंदा सामने रहता है, ये मेरे को पता नहीं था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हील लगाने का ट्राई करता हूँ, तभी मेरे को सामने से फुट स्टेप्स आते हैं और मेरी गोलियाँ सारी की सारी ज़मीन में लग जाती हैं और ये बंदा मेरे को ईजिली किल करके निकल जाता है और यहाँ पर #3 पे अपन मर जाते हैं और ये वाला चिकन भी मिस हो जाता है। अब यहाँ पर देखना ये वाला गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पर देखो 4 बंदे बचे हुए थे, सारे के सारे बंदे कंपाउंड पे थे, तीनों के तीनों बंदे। अब लेफ्ट में थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे मैं जा सकता था, मैंने ट्राई किया कि मैं यहाँ से निकलूँगा सीधा जोन की तरफ, लेफ्ट में ट्राई करूँगा, जोन आने वाला था, 1 सेकेंड में जोन स्टार्ट हो चुका था। मैं जैसे ही निकलता हूँ मेरे पे फायर आता है। अब यहाँ पर मैं जैसे तैसे इस वाली पोजीशन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे जोन था, मैंने कहा जितना दूर रहूँगा इन बंदों से उतना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बंदों के कंटिन्यू मेरे पे स्प्रेज आते रहते हैं। और यहाँ पर देखना अभी मेरा है HP कितना बचता है,
अब एक वार्न हाउस के ऊपर बंदा रहता है जो कि मेरे को एक हेड मार देता है। अब मेरा एचपी भाई 2-3 HP बचा होगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं राइट में थोड़ा सा इस प्रोन होकर निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी फूटेगा और गाड़ी फूटने से अपन मर भी सकते हैं। तो इस पेड़ का कवर लेके अपन हील करते हैं। हील करने के बाद अपन को जोन में भी निकलना है, क्योंकि जोन अपने से फिर से कट चुका है। अब सामने की तरफ तीन बंदे हैं भाई, तीनों के तीनों बंदे अपने पे एम लगा के बैठे हैं। अब यहाँ पर जो वार्न हाउस के ऊपर बंदा रहता है उस पर मैं एक स्प्रे लेने का ट्राई करता हूँ। अब उस बंदे को इतना डैमेज मैंने कर दिया था कि वो बंदा हील करेगा, तब तक मैं भी हील कर लेता हूँ और मैं प्लानिंग बनाता हूँ कि अब जोन में कैसे जाना है। मेरे पास 4 स्मोक्स रहते हैं, जल्दी से अपन स्मोक्स सारे फैला देते हैं जितने भी बचे हुए स्मोक मेरे पे थे। सामने वाला बंदा अभी भी मेरे को पिन कर रहा था। अब देखना गाइस कैसे जोन के अंदर एंट्री लेंगे और यहाँ पर कैसे गेम को आगे बढ़ाते हैं। स्मोक्स हो चुके थे, वार्न हाउस के ऊपर जो बंदा था वो भी नीचे आ चुका था। अब मेरे पास यही मौका था जोन के अंदर जाने का, बट मेरे को डर ये लग रहा था कि कोई मेरे पे 2 गोलियां कनेक्ट करेगा, मर जाऊंगा। हेलमेट वेस्ट सब डैमेज है, वो भी लेवल 1 का। जैसे तैसे मैं यहाँ पर इस वार्न हाउस के अंदर इस सेक में आ जाता हूँ, सामने की तरफ मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि चलो भाई एक ग्रेनेड करते हैं। वो बंदा मेरे पे मोलोटोव्स ग्रेनेड सब कुछ ट्राई करता है, मैं भी ट्राई करता हूँ और यहाँ पर मैं मरते मरते बचता हूँ। इस बंदे का सटीक ग्रेनेड आया था बट मैं यहाँ पर बच चुका था। अब यहाँ पर मैं हील लगाता हूँ जल्दी से। मेरे को डाउट ये लग रहा था कि मैं डैमेज हुआ हूँ तो वो बंदा मेरे पे रस कर सकता है, लेकिन वो बंदा मेरे पे रस करता नहीं और यहाँ पर मेरे को हील का टाइम मिल जाता है। अब इस वार्न हाउस की छत पे एक बंदा रहता है जिसको कि मैं किल करने का ट्राई करता हूँ। अब जो ऊपर बंदा रहता है उसको तो अपन इजीली किल कर देते हैं। अब एक बंदा बचता है वार्न हाउस की तरफ और एक बंदा बचता है कंटेनर में। अब यहाँ पर देखो कि कैसे गेम को आगे बढ़ाते हैं। सामने वाले बंदे जो वार्न हाउस में बंदा है उसके पास होती है DBS, तो मैं ये पता लगा चुका था कि अगर मैंने इस बंदे पे क्लोज में फाइट लिया तो मैं हारने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ जोन के स्टार्ट होने का। अब एक बंदे को तो मैं किल कर देता हूँ, लेकिन ये DBS वाला बंदा भाई DBS मार देता है। DBS वर्सेस UMP विद लेवल 1 के हेलमेट वेस्ट के साथ तुम कहाँ ही फाइट जीतने वाले हो। फिलहाल बात करते हैं अपने थर्ड गेम प्ले की, तो भाई ये वाला गेम प्ले भी बहुत ही इंटेंस होने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक आती है कूप, अब उसको कैसे उतारा ये देखो। अब ये वाला अगर किल अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर क्या सीन हो रखा था कि यहाँ से जोन देखो हट जाता है, यहाँ पे जो मैं होल्ड कर रखा था, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर अपन क्लोज इन करेंगे किसी भी कंपाउंड पे जाएंगे तो अपन मरने वाले हैं, क्योंकि अपना डिसाइडेड है, सीधा सीधा डिसाइडेड है, अपन फाइट कम ही निकाल पाएंगे। सामने वाले बंदे के पास भाई DBS होगी या फिर कोई और गन होगी, उसके पास लेवल 3 हेलमेट वेस्ट होगा, ये तो आपको पता ही है कि भाई अगर उसके सामने मैं गया तो मेरे को दूर से ही फाइट लेनी है। जितनी भी फाइट मैं ले सकता हूँ वो दूर से फाइट लूँगा,
तो जीतने के चांसेस हैं। फिलहाल यहाँ पर जोन चालू हो चुका था, अब मेरे को जोन में निकलना था। तो सामने की तरफ जो हिल है, पहाड़ है, वहाँ पे एक बंदे की पेटी मेरे को दिखती है। तो मैं डिसाइड कर चुका था कि वहाँ पे जोन होगा और वहाँ पे भाई जगह भी खाली हो चुकी है, तो मैं जा सकता हूँ। सीधा मैं यहीं पे आता हूँ, चार बंदे अभी भी बचे हुए हैं। लेफ्ट में तुम लोगों को एक बंदा स्पॉट हो रहा होगा, लेफ्ट में पानी की साइड पे, वो मेरे को बहुत देर बाद बंदा स्पॉट हुआ। जैसे ही वो मेरे को स्पॉट होता है, सबसे पहले मैं यूएमपी में लगाता हूँ 6x और उस बंदे को किल कर देता हूँ। अब यहाँ पर टोटल बंदे बचे हुए थे एक, यानी कि 1v1 की सिचुएशन। अब मेरे को जोन में जाना है, मेरे को इतना पता था कि मैं जोन में जब जाऊँगा तो ये बंदा अपने को डैमेज ज़रूर देगा और डैमेज मैं हो जाऊँगा। पहले मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन यहाँ पे जोन नहीं था, तो मैं सीधा आता हूँ इस घर पर। बंदे ने मेरे को डैमेज दे दिया था, जैसे तैसे इस बंदे को मैंने पीछे भेजा। और भाई अब यहाँ पर देखना, बंदे के पास है MG3 और मैं भाई फाइट करने वाला हूँ लेवल 1 के हेलमेट वेस्ट के साथ और भाई AKM के साथ। अब देखो यहाँ पर मैं ये फाइट को कितना लंबा लेके जाता हूँ और फिर भाई क्या होता है वो चीज़ तुम देखना। यहाँ पे यहाँ पर एक मौका था मेरे को मारने का, लेकिन मेरे को डाउट ये लग रहा था कि उसके पास MG3 है, कहीं 2-3 गोलियाँ 4 लगेंगी भाई, अपनी पेटी बन जाएगी। वैसे भी अपन डैमेज हैं, बंदा डायरेक्टली रस करने का ट्राई करता है अपने पे। बंदा भाई डायरेक्टली रस नहीं कर रहा था, वो भी इधर उधर से घुमाने का ट्राई कर रहा था। फटी पड़ी हुई थी बंदे की भाई। अब यहाँ पर जैसे तैसे मैं थोड़ा सा अग्रेसिव होने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा फिर से भाग जाता है। अब यहाँ पर एक ग्रेनेड बचा था, तो मेरे को लगा कि ये बंदा मैं निकलेगा इस साइड से, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं अंदर ग्रेनेड कर रहा हूँ तो इधर से निकलेगा, लेकिन बंदा अपोजिट से आ जाता है। और भाई अब चेक करना कि मेरे को डैमेज कितने फास्ट पड़ता है, देखना अभी कितना फास्ट डैमेज पड़ेगा मेरे को। ये देखो कितना फास्ट डैमेज, और भाई यही मौका था उस बंदे के पास मेरे पे रस करने का, और ये बंदा कर देता है मेरे पे रस। और भाई इजीली अपन किल हो जाते हैं। यहाँ पर डिवाइस भी थोड़ा सा लैग हुआ था। तो गाइस ये था गेम प्ले वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।